बढ़ते जयपुर में लंबे इंतजार के बाद आई राहत की बारिश आफत बन गई है। जयपुर में आमेर महल के पास बने वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। आमेर की दुर्गम पहाड़ियों का रोमांचक सफर 11 लोगों के लिए मौत का सबब बन गया। बताया जा रहा है कि ये लोग दुर्गम रास्ते पर थे, जब अचानक से बिजली कड़की तो संभल नहीं पाए और मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। और इसी बीच कुछ लोग रास्ते के दोनों तरफ पहाड़ियों में गिर गए, जिसके चलते 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे पर सीएम गहलोत ने भी दुख व्यक्त किया और संवेदना जाहिर की है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया गया है। और इस बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी अस्पताल पहुंचे, घायलों की कुशलक्षेम जानी, वहां पर क्या हाल है उसके बारे में जानकारी ली। वहीं जयपुर के अलावा बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर भी 9 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है और जो हादसा हुआ उस पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। आपको बता रहे हैं, राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी, इससे अत्यंत दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये पीएम मोदी का ट्वीट है। राजस्थान के जयपुर में 11 लोगों की जान गई, लेकिन इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने से तमाम हादसे हुए हैं। सीएम का ट्वीट, कोटा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर और बारा में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभावितों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करें। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित परिवारों को शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाएं। ये सीएम का ट्वीट आपके सामने एक बार फिर से। कोटा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर और बारा में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभावित जितने भी हैं उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे मुश्किल वक्त में। अधिकारियों को निर्देश ये दे दिए गए हैं कि पीड़ित परिवारों को शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाई जाए। अब अलग अलग हिस्से, सिर्फ जयपुर में ये हादसा नहीं हुआ, पहली बारिश आप समझ रहे हैं, मानसून की पहली बारिश इस तरीके से हुई कि अलग अलग जगहों पर लोगों पर कहर बनकर ये बारिश टूटी है। जयपुर के वॉच टावर में जो हादसा हुआ उससे हर कोई सन्न है। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों में बारा, धौलपुर, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली गिरने की वजह से कई बच्चों की जान गई है, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अभी मानसून का पूरा वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले मानसूनी बारिश का जब आगाज हुआ उसी दिन इस तरीके की हादसे की तमाम खबरें सामने आई हैं, जिस पर सभी ने चिंता व्यक्त की है। और कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि अलग अलग जगह 9 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, यानी कि कुल मिलाकर एक ही दिन में प्रदेश में 22 लोगों की जान गई, 4 की मौत। ये तस्वीर कोटा की आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी कल बारिश ने जो कहर बरपाया उसके बाद 4 लोगों की जान गई, 3 की मौत हुई है। धौलपुर में तस्वीर वहां से भी आपको हम दिखा रहे हैं, अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति, और 1 की मौत हुई है झालावाड़ में। आकाशीय बिजली का रौद्र रूप इसे आप कह सकते हैं, मानसूनी बारिश और इस तरीके से कहर, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। हालांकि इंतजार लोग कर रहे थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लोगों को उम्मीद थी कि बारिश होगी तो उनको राहत मिलेगी, लेकिन ये बारिश राहत वाली नहीं है बल्कि परेशान करने वाली है। अब इन्हीं इलाकों में जहां पर भी हादसे हुए हैं हड़कंप मचा हुआ है, लोग ये समझ नहीं पा रहे कि पहली बारिश में ऐसे कैसे हो गया। अब राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कुल मिलाकर एक ही दिन में 22 लोगों की जान गई है आकाशीय बिजली की वजह से। अब मेरे दो सहयोगी इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर में जो हादसा हुआ उसको लेकर लगातार नजर हम रखे हुए हैं, पल पल के अपडेट भी आपको दे रहे हैं। आमेर के वॉच टावर से मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं और एसएमएस से मेरे सहयोगी काशीराम चौधरी मेरे साथ हैं। सबसे पहले निर्मल, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, यही वो वॉच टावर जहां से इतना बड़ा हादसा हो गया, 11 लोगों की जान चली गई, अब ये कैसे वहां पर हो गया ये समझ नहीं आ रहा। लोग भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली बारिश जिसको लेकर राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो बारिश ऐसे कहर बनकर टूटेगी, किसी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे यह हादसा हो गया कि 11 लोगों की जान चली गई। देखिए दीपा, मैं जहां पर खड़ा हूं वॉच टावर की ठीक नीचे, ये पुरातत्व विभाग का वो स्मारक है जहां सामान्यतः पर्यटक आते नहीं है और इतना दुर्गम है चढ़ना। मैं सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी से कहूंगा, वो बताएंगे आपको, इतना दुर्गम है चढ़ना। जमीन से पहली बात तो करीब 2000 फीट ऊंचा वॉच टावर है, यहाँ जो सीढ़ियां हैं वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी और क्षत विक्षत हो रही हैं, खराब हो रही हैं, और कम से कम 1.5 फीट का एक सीढ़ी में गैप है, तो आसान नहीं है उस पर चढ़ना। फिर भी पर्यटक वहां पर चढ़ता है, चढ़ने के बाद तेज दामिनी, एक कड़क के बिजली गिरती है और उस बिजली से जो विद्युत ऊर्जा पैदा होती है वो
इतनी भयावह थी दीपा कि लोग गिरने से नहीं मरे, उस बिजली के करंट से मरे। जो मृतक थे उनका मुंह खुला का खुला रह गया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और क्षण भर के अंदर यानी कि पलक झपकते ही वो मौत की आगोश में समा गए। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इस तरह की झाड़ियां हैं जिनमें आप देख सकते हैं दीपा कि इनको सबको हटा हटा करके इस तरह से देखना पड़ रहा है कि यहाँ किस तरह से लोग नीचे हो सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ भी बहुत है, बर्ड्स बहुत हैं और देखिए चिड़ियां बहुत मरी। ये बर्ड्स था जो विद्युत ऊर्जा पैदा हुई, इससे बहुत सारे पक्षी मरे और अन्य जानवर, क्योंकि यहाँ देखिए गहरा आप देख सकते हैं, यहाँ का जो फ्लोरा है, यहाँ का जो हर्बीवोरस है वो इतना ज्यादा गहरा है कि एक तो अगर कोई बॉडी इस समय पड़ी भी है तो उसको देखना बड़ा मुश्किल है। ड्रोन से लगातार तलाश करने की कोशिश की गई, ड्रोन उड़ाए गए, ड्रोन से कुछ नहीं हुआ। एसडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं, तमाम टीमें लग रही हैं, उनको अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। चुनौती ये थी दीपा कि इस जगह पर जब बॉडी एक हादसा हुआ तो उन बॉडीज को रिकवर करने के लिए 1500 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल घुप अंधेरे के अंदर जहां की वाइल्ड लाइफ हो, बिल्कुल दिख नहीं रहा हो, हाथ से हाथ मत जाना, फिर उनकी बॉडी को तलाशना टॉर्च की रोशनी में, ड्रैगन लाइट की रोशनी में, और बॉडी रिकवर करके वापस 1500 सीढ़ी नीचे उतरना। क्योंकि जिस तरह से मैं ऊपर चढ़ा हूं मुझे पता है कि मेरी सांसें फूल गई, 1500 सीढ़ियां चढ़ना इतना टेढ़ा इतना आसान नहीं है दीपा। तो किस तरह से एसडीआरएफ की टीम, यहां के स्थानीय लोग, एक एक स्थानीय छोटा छोटा वाशिंदा, 10 साल का, 15 साल का बच्चा, 20 साल का युवा, 25, 50 साल के बुजुर्ग, सबने कोशिश की कि लोग जो हादसे का शिकार हुए हैं उनको रिकवर किया जा सके, उनको लेकर नीचे जा सके। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हालांकि एसडीआरएफ की टीम लगभग पूरी तरह से कुछ लोगों को छोड़कर के नीचे उतर चुकी है, ड्रोन को भी यहां से ले जाया जा चुका है क्योंकि अब इस तरह की कोई संभावना नहीं है। और अगर कुछ होता भी तो, क्योंकि अगर कोई गुमशुदा है, कोई लापता है, तो उसके घर वाले या उसके शुभचिंतक यहां आते, अब ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है, लेकिन हादसा इतना विकट, इतना दर्दनाक और इतना, मतलब लोगों की सिस्कारियां गूंज गई, लोगों को पता ही नहीं पड़ा, पलक झपकते दीपा की किस स्थिति में है वो, एकदम से विद्युत ऊर्जा पैदा होती है, करंट से लोग मरते हैं और जो बचने की कोशिश करते हैं वो ऊपर से कूद जाते हैं, मलबे के ढेर में आते हैं, लैंडस्लाइडिंग में फंसते हैं, पेड़ों से टकरा के घायल होते हैं, मर जाते हैं। 11 लोगों की मौत हो जाती है, 9 गंभीर रूप से घायल हैं, 10-20 ऐसे लोग भी जो घायल हैं और जिनका निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जो अभी सरकारी आंकड़ों में नहीं आए। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। देखिए दीपा, मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ अगर पलक झपकते हमारा भी ध्यान नहीं जाए तो हम सैकड़ों फीट नीचे खाई में सकते हैं। ये पेड़ों से छुपी हुई खाई है जो नजर नहीं आ रही कि नीचे कितना गहरा हो सकता है, कितना दर्दनाक किसी के साथ हादसा हो सकता है। तो ये ऐसी जगह है, आप लोग यहीं थे, प्रथम दृष्टा सीधे तौर पर क्या देखा, कैसे तो आपको सूचना मिली और उसके बाद किस तरह से रिकवर किया सब? मुझे लगभग 7:15 बजे के समथिंग सूचना मिली, मैं तुरंत यहाँ मौके पर पहुँचा और मेरे स्थानीय एक और पार्षद है मेरे साथी, उसको भी मैंने बुलाया और यहाँ मौके पर टीम को सबको थाने में सभी जगह अलर्ट किया और हमारे मुख्यमंत्री जी को और वहाँ पर मैसेज पहुँचाने की कोशिश की और टीम के द्वारा उनको लाया गया। रात को कब तक आप लोग थे, कब तक बॉडियाँ रिकवर होती रही? मैं 1:30 बजे तक यहाँ पे था, सबसे लास्ट में कमिश्नर साहब ने ऊपर दौरा किया, उसके बाद में हम सीधे SMS हॉस्पिटल चले गए, वहाँ से 3 बजे वापस लौट के आए। आपने क्या देखा जब आपको पलूं पड़ा? जी यहाँ पर लोग अफरा तफरी थी बहुत ज़्यादा, लोगों चिल्ला रहे थे, समझ नहीं पा रही थी जनता की क्या हो गया है। दो लोग जो वहाँ ऊपर, दो लड़के थे, वो नीचे आए और उन्होंने प्रशासन को बताया, नीचे पुलिस वाले थे उनको बताया, फिर आनन फानन में जल्द से कॉल किया। यहाँ पर विधायक महोदय जो जयपुर शहर के, महेश जोशी जी, रफीक खान जी, आमीन कागजी जी और आमिर कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सहदेव शर्मा जी और यहाँ के पार्षद जो हनुमान जी गुजर हैं, ये भी यहाँ आए और यहाँ के जो युवा थे, और मैं सलाम करना चाहूँगा सिविल डिफेंस की जो टीम थी उनको, इस दुर्गम चढ़ाई पर वो चढ़े और अंधेरे में और बारिश में यहाँ आकर लोगों को ऊपर से नीचे लाना बहुत ही कठिन काम था रात के समय पर। दिन पर भी, दिन में भी अमूमन हम चढ़ नहीं पाते हैं, वो टीम रात को उन लोगों को ली और नीचे आई। देखिए दीपा, इसी को समझने की जरूरत है, इतनी दुर्गम स्थान है, जब दिन में नहीं चढ़ पाते रात में कैसे चढ़े होंगे। अच्छी बात ये रही कि दो युवा जो बच गए थे वो नीचे उतरते हैं बदहवास भागते हुए और नीचे लोगों को बताते हैं, उसके बाद लोग ये 1500 सीढ़ियां चढ़ते हैं, हांफते जाते हैं, फिर बॉडी रिकवर करते हैं अंधेरे के अंदर, क्योंकि जिंदगी, जीजी विषय की जो जंग थी ना, कि जिंदगी को बचाने की जो जंग थी, वो जज्बा आमेर वासियों ने दिखाया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, एसडीआरएफ की टीम में, सिविल डिफेंस वाले लोगों ने पूरा साथ दिया, प्रशासन का भी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। कल की जो तस्वीरें आ रही थी वाकई में रूह कांपने वाली थी, वो तस्वीरें हमने दिखाई, बहुत डरावनी थी। जो हुआ किसी को भी समझ में नहीं आया, प्रशासन भी इसके लिए तैयार नहीं था कि ऐसे हो सकता है, इतनी बड़ी लोगों की संख्या वहां पर हो सकती है और ऐसी भी
मोहब्बत आ सकती है सभी के लिए। बहुत मुश्किल दिन था कल निर्मल, अब यही उम्मीद कि वहां पर, क्योंकि आपने ये बताया बहुत ज्यादा खाई है, बहुत गहरी खाई है, ऐसे में अब ये लगभग प्रशासन को भी लग रहा है कि हो सकता है अब कोई ना हो, डेड बॉडी ना हो, कोई पड़ा ना हो कहीं पर, इसको लेकर अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कब तक इसको रोक दिया जाता है इस पर भी लगातार नजर होगी। आप रहिए हमारे साथ, काशीराम भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं एसएमएस से। काशी, वहां पर जो घायल हैं 9 लोगों की स्थिति कैसी है, सबसे पहले वो बताइए क्या कह रहे हैं डॉक्टर उनकी स्थिति को लेकर। जी दीपा, देखिए निश्चित रूप से घायल जो मरीज हैं उनको उपचार चल रहा है और एसएमएस अस्पताल में उनका उपचार जारी है। और इसके अलावा जो दूसरे जिनकी निधन हुआ है आकाशीय बिजली गिरने की वजह से, 11 लोगों का जिनका निधन हुआ है, उनकी लिए यहाँ पर मोर्चरी में उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। एक बार कैमरा पर्सन इकबाल हमारे मोर्चरी का दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पर हालात बहुत ही गमगीन हैं, दुखद हैं। एक एक कर जो उनके परिजन हैं उनको सूचना दी जा रही है और जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उसके बाद जो उनकी डेड बॉडी है वो सौंपने की पूरी प्रक्रिया होगी। तो बहुत ही दुखद माहौल है यहाँ पर, गमगीन हैं लोग। और किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे को सांत्वना यहाँ पर लोग दे रहे हैं। और विधायक अमीन काग जी यहाँ पर रात से ही हैं और सुबह भी वो जल्दी पहुँच गए हैं। सर, बड़ा दुखद हादसा रहा है और अब क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, ये बहुत असहनीय पीड़ा है पूरे जयपुर के लिए। और रात को रेस्क्यू करके करीब 1:30 बजे तक सारे लोगों को यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था, जिसमें से 11 लोगों की मृत्यु हुई है। रात को सारे प्रशासन के लोग और हम सब लोग यहाँ थे, मैं भी रात को 1:30 बजे तक था। अभी पोस्टमार्टम होके सारे परिजनों को उनकी डेड बॉडी दे दी जाएगी। कुछ लोग जयपुर के हैं, सीकर के भी हैं, बाहर के हैं। रात को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, मैं मुख्यमंत्री जी को भी मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जैसा आप सब जानते हैं कि हमेशा से मुख्यमंत्री जी इन मामलों को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा उनके पीड़ा रहती है और वो बहुत सजग, एक एक मिनट की पल पल खबर, कलेक्टर से बात करना, हम लोगों से बात करना, कमिश्नरेट को बात करना, कमिश्नर साहब खुद वहाँ मौजूद थे, कलेक्टर साहब मौजूद थे, मैं था, हमारे और 2-3 साथी थे। अभी सब लोग परिजन यहाँ हैं और इनका पोस्टमार्टम करके सब लोगों को इनकी बॉडी दी जाएगी। रात को मुख्यमंत्री जी ने जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता और जो घायल हैं उन लोगों को 50,000 की आर्थिक सहायता का सरकार ने घोषणा करी है। तो सभी लोग जिनकी डेथ हुई है, 11 लोग, उनकी क्या सबकी पहचान हो चुकी है, उनके परिजन आ चुके हैं सर? जी जी, सारे 11 लोगों की पहचान हो चुकी है, सारे परिजन आ चुके हैं और सबने अब इस दुख की घड़ी में ज़्यादा क्या कहें, लेकिन मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब लोगों को ईश्वर जन्नतुल फिरदौस में जान आला से आला मकाम अता फरमाए। और इस हादसे में ऐसा हमारा मानना है, ईमान है कि जो ऐसी मौतें होती हैं वो स्वर्ग उनको मिलती है, जन्नत मिलती है। सब्र करने के अलावा हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। मैं सब जो परिजन हैं उन सब लोगों से ये अपील करूँगा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और जयपुर के लोग, जयपुर की जनता उनके साथ हैं और उम्मीद करूँगा कि उनको ईश्वर सुकून दे, उन बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में, स्वर्ग में शीर्ष स्थान मिले। तो देखिए, अब हम ऐसे कुछ परिजनों के पास चलने का प्रयास करते हैं जिनके परिवार के लोगों की डेथ हुई है और उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। आपके परिवार में डेथ हुई, बहुत ही दुखद घटना हुई है, फिर भी क्या कहेंगे, कैसे आपको सूचना मिली, किस तरह से? अपना कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता सर, मेरा कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा। निश्चित रूप से देखिए, इनके बहुत ही दुखद घटना हुई है परिवार में, तो उनको हादसे का अभी तक दुख है और सदमे में से वो उभर नहीं पा रहे, उसी वजह से कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। आप भी घटनाक्रम पर गए थे क्या? ये मेरा बच्चा है, बच्चा है। आपका बच्चा है, तो देखिए बोलने की स्थिति में नहीं है ज़्यादातर लोग और बहुत ही दुख की स्थिति में है
उबर नहीं पा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम से, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे एक बार पूछने की कोशिश करेंगे। सर, आप भी कभी कोई परिवीक करे रहे होंगे निश्चित रूप से, क्या कैसे हादसे की सूचना मिली, क्या हुआ? सर, मैं मौजूद नहीं था उस टाइम पे। मैंने जो सुना तो मेरे को सुन के बड़ा अफसोस हुआ और बहुत ही दुख की बात है, ऐसा हुआ ही है। अभी तो मालिक की मर्जी है। तो यहाँ पर कई लोग हैं जो कि ढाढ़स बधाने के लिए, परिजनों को संभालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत मुश्किल वक्त है सभी के लिए भी, जिन्होंने अपने अपने को खोया है, जिनके अभी भी अपने घायल हैं, उन सभी के लिए बहुत ये मुश्किल दौर है। अब जो घायल हैं काशी, वो सभी जयपुर के ही हैं या फिर जयपुर के बाहर से भी हैं? उनके परिजनों को भी इत्तला कर दी गई, घायलों के परिजन वहाँ पर पहुँच चुके हैं अगर जयपुर से बाहर के हैं तो? जी देखिए, एक एक कर दीपा सूचना दी जा रही है और इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो जयपुर के हैं, कुछ सीकर के भी बताए जा रहे हैं, और इसके अलावा पंजाब के भी दो लोगों के होने की सूचना मिली थी। तो जो अलग अलग जगहों के जो लोग हैं उन सभी को, उनके परिवारजनों को सूचना दी गई है, और उसके बाद परिवारजन लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू भी हो गए हैं। और जो जितने भी लोग जिनकी निधन हुआ है जिनका कल, उन सभी 11 लोगों के परिवारजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ मोर्चरी में इनका पोस्टमार्टम जो है वो जारी है। और एक एक कर जो चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी हैं वो परिवारजनों को बुलाते हैं, उसके बाद उनके पोस्टमार्टम की अनुमति ली जाती है और पोस्टमार्टम की मंजूर उसके बाद उनको शव सौंपने की यहाँ पर प्रक्रिया होगी। तो थोड़ी देर बाद में माना जा सकता है कि करीब 1 से 1.5 घंटे में जो सभी परिजन हैं उन सबको जो शव हैं वो सौंप दिए जाएंगे और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर जो परिवारजन हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, पुलिसकर्मी हैं और चिकित्सा विभाग के कार्मिक हैं, वो सभी यहाँ पर पूरी तरह से बिल्कुल लगे हुए हैं कि जो दिखाई दे रहे हैं वो भी बेसुध दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहे। कल तक सब कुछ ठीक था, कल दिन तक अचानक से रात को ऐसी खबर आती है जिसमें उनको ये सूचना मिलती है कि उन्होंने अपने अपनों को खो दिया। वो सभी बेसुध हैं, अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, तस्वीर भी बयां कर रही है। निर्मल, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे आप लगातार बात भी कर रहे हैं और लगातार सुबह से ग्राउंड पर मौजूद भी हैं, कितनी भीड़ थी कल? जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या बता रहे, कितने लोगों की संख्या वहां पर होगी कुल, जो प्रशासन भी बता रहा है, और साथ ही रेस्क्यू को कब तक रोक दिया जाएगा? आशंका है कि अभी भी कोई नीचे फंसा हो या फिर कहीं पे कोई हो सकता है, इसको लेकर किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई क्या? क्या कहा उन्होंने? देखिए दीपा, ये मैंने कहा ना, जैसे कि 1500 से 2000 फीट ऊंचाई पर है और सामान्यतः पर्यटक यहाँ पर आते नहीं है, लेकिन कल चूंकि रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, अचानक मौसम अच्छा होता है तो 15-16 महीने से लगातार आदमी लॉकडाउन में कोरोना से जूझ रहा है, तो हर एक आदमी कोशिश करता है कि अब अनलॉक हो गया तो चिल करने की कोशिश करता है, बाहर जाएं, थोड़ा सहज माहौल में जाएं, अच्छा मानसून है, बाहर निकलेंगे तो एक अच्छा वातावरण मिलेगा। लेकिन उसकी कीमत इतनी भारी चुकानी पड़ेगी किसी को पता नहीं था। 30 से 35 लोग, जैसा कि अधिकारियों ने बताया थोड़ी देर पहले, हमारी यहाँ रमेश चंद जी जो सब इंस्पेक्टर, उनसे बात हुई, SDRF की टीम के लोगों से भी बात हुई, सबका कहना था कि 30 से 35 लोग ऊपर थे और उनमें से अधिकांश की मौत इसलिए नहीं हुई कि वो गिरे हैं, उनकी मौत होने का सीधे तौर पर जो प्रथम दृष्टया जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न हुई, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग करंट कहते हैं कि करंट लगने से, तो जो लोग जहां खड़ा था उसकी करंट लगने से उसकी तत्काल मौके पर ही मौत होगी, जो 11 मौतें हुई। और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए वो थे जो बदहवास उस बिजली से अपने को बचाने के लिए कूदे नीचे, नीचे कूदने से कुछ चट्टानों से टकराए, कोई पेड़ से टकराए, कोई मलबे में दब गया, क्योंकि कुछ हिस्सा जो था वॉच टावर का वो कुछ हिस्सा टूटा भी है। इसी वजह से पर सैकड़ों पक्षियों की भी जान इसीलिए गई कि जो विद्युत ऊर्जा है वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी, इतनी ज्यादा कठोर थी कि एक ही झटके के अंदर पलक झपकते ही मौत की आगोश में लोग समा गए, पक्षी मौत की आगोश में समा गए और काफी हर्ब्स को भी, यहाँ जितने पेड़ पौधे उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सामान्य तौर पर दीपा, अभी SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है, आधी टीम नीचे उतर चुकी है, क्योंकि ये जो पूरा 3 से 4 किलोमीटर का पहाड़ी के चारों तरफ का जो सराउंडिंग एरिया है इस वॉच टावर का, वहां पर सर्च ऑपरेशन लगभग पूरा कर लिया गया है, ड्रोन से भी ऑपरेशन हुआ है, SDRF की टीम भी थी, सिविल के तमाम जो कर्मचारी थे, जवान थे, अधिकारी थे, वो यहां मौजूद हैं, पुलिस, चिकित्सा विभाग के, टैफ के और होम गार्ड्स के जवान, तमाम लोग हैं। सबसे बड़ी बात ये, स्थानीय लोगों का जो जज्बा देखने को मिला दीपा, अभी भी लोग आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई है तो नहीं, तो लोगों ने बड़ी मदद की। तो लगभग सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, सर्च ऑपरेशन लगभग समाप्त हो चुका है, थोड़ी देर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी और जो कुछ बॉडी रिकवर हुई है उनको तमाम को SMS भेजा गया था, जैसा अभी हमारे सहयोगी काशीराम जी भी बता रहे थे, और जो घायल हैं उनका वहाँ उपचार चल रहा है, और कुछ लोग जो निजी अस्पतालों में जो थोड़े बहुत जिनके चोटें लगी वो निजी
निजी अस्पतालों में इलाज करा के अपने घर चले गए हैं, और ना अब ऐसी कोई भीड़ नजर आ रही है कि लोग आ रहे हैं तलाश में, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि तलाश के लिए लोग आए हों। तो स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है, और अभी भी देखिए आसमान में बादल हैं, तो लोगों में इस बात की घबराहट है कि अगर वो वॉच टावर या उसके आसपास जाएं और कल जैसा हादसा, क्योंकि उस हादसे को कोई भूला नहीं है। अभी भी दिल दहलाने वाली तस्वीर लोगों के जेहन में, जिस तरह से अभी हमने हनुमान गुर्जर जो पार्षद थे उनसे बात करी थी और तमाम जो लोग थे, उनका कहना यही है कि अभी भी लोग डरे हुए हैं कि मौसम वैसा का वैसा ही है, कभी भी तेज बारिश हो सकती है, वापस ऐसी बिजली तो नहीं कड़केगी, ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति तो नहीं होगी, तो लोगों में भय का माहौल जरूर है। लेकिन दीपक, चूंकि हमने यहाँ तक आए हैं और तमाम उसको देख रहे हैं बहुत नजदीकी से, तो निश्चित तौर पर इतना भयावह तस्वीर है, बहुत जबरदस्त वाला एक जंगल पूरी तरह से तैयार है, जंगली जानवर भी हैं, गहरी खाइयां भी हैं, जरा सा पैर फिसलते ये सीढ़ियां भी इतनी पुरानी बनी हुई है कि छिछला पत्थर है यहाँ पर, कई बार पैर रखते हैं और पत्थर उछल जाता है। यहाँ पर पड़ी जो टूटी चप्पलें हैं, जूते जो लोगों के जो मृतक थे या जो हादसे में जो घायल हुए हैं उनके जूते चप्पल इस बात का सबूत है, लग रहा है कि किस तरह से यहाँ तस्वीर रही होगी, कितनी भयानक रही होगी। और देखिए दीपक, समझने वाली बात यह भी है कि जो लोगों का उनका कहना है कि सिर्फ किसी को पता ही नहीं कि ऊपर इस तरह का हादसा हो गया, ऊपर पर्यटक भी हो सकते हैं, क्योंकि पुरातत्व विभाग था उसकी तरफ से यहाँ कोई गार्ड नहीं लगा रखा है, तो किसी को पता नहीं था। ऊपर से जो दो लोग बचे हैं उन्होंने ही नीचे जाकर बदे आवाज दौड़ते हुए 1500 सीढ़ी नीचे उतरते हैं, लोगों को बताते हैं कि ऊपर ऐसा हादसा हो गया, चलो। फिर स्थानीय बाशिंदे भागते हैं, बॉडी रिकवर की जाती है, चित्कार का माहौल, जगह जगह लोग पड़े हुए हैं, मुंह खुला हुआ है, किसी की आंखें खुली हुई हैं, उसकी मौत हो गई तो पता ही नहीं पड़ा लोगों को। और जो मरने वाले हैं उनमें ज्यादा से निर्मल कहा भी जा रहा है कि यहाँ पर ऐसी जगहों पर तो कम से कम गार्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर गार्ड होता वहां पर, ये बताया जाता कि ऊपर जा रहे हैं तो सेफ नहीं है, नीचे कैसे आएंगे, तेज बारिश हो रही है, गार्ड का होना बहुत जरूरी था। हो सकता है लोगों की संख्या कुछ कम होती, जो अभी नहीं रहे हैं उनकी संख्या कुछ कम होती अगर गार्ड यहां पर होता जो उनको बता पाता। लेकिन बड़ा सवाल है, कल से हम ये पूछ रहे हैं कि जयपुर के जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं निर्मल, उनको तो ये पता है कि वो अगर बारिश के वक्त में जाएंगे ऊपर, रास्ता इतना दुर्गम है, नीचे उतरने में उनको परेशानी हो सकती है, तेज बारिश होगी तो उनको दिक्कत हो सकती है, जयपुर के लोग ये जानते हैं। तो क्या अलग अलग हिस्सों से, जयपुर के अलावा बाहर से जो पर्यटक थे उनकी संख्या ज्यादा है जो यहां पर कल पहुंचे हुए थे? देखिए, कल कुल 896 पर्यटक आमेर आए थे, जो रजिस्टर में इंद्राज हैं, यानी जो टिकट खरीद के जो आमेर महल देखने गए हैं दीपा, उनकी संख्या 896 है। उनमें कोई विदेशी नहीं था, सारे घरेलू पर्यटक थे, और उन 896 में भी करीब 700 पर्यटक ऐसे थे जो जयपुर या जयपुर के आसपास के ही थे, यानी कि मौसम का तकाजा हुआ, छुट्टी का दिन था, संयोग देखिए कि रविवार की छुट्टी थी, मौसम एकदम मानसून की पहली बरसात की स्थिति बनती है, लोग घरों से निकलते हैं क्योंकि उस समय उजाला था, इतना अंधेरा नहीं था, लोगों को आमेर बहुत पसंद आता है, विश्व विरासत में शुमार है, सब जानते हैं। आप देख सकते हैं पीछे मावठा, केसर कैरी, दलाराम बाग, सामने शीश महल दिख रहा है, ऊपर आपको जयगढ़ साफ नजर आ रहा है, सारी चीजें तमाम ऐसा दृश्य है, यानी ये आमेर को देखने से भी, अगर आमेर की खूबसूरती को किसी को निहारना है दीपा, तो उसको इस वॉच टावर पे आना ही पड़ता है। बस यहीं पर गड़बड़ होती है सारी, क्योंकि आमेर के वैभव को निहारने के लिए उसके ठीक सामने, यानी आमेर के बिल्कुल सामने ये वॉच टावर है। जब इस वॉच टावर पे खड़े होकर आमेर को देखते हैं या सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल युवाओं में, किशोरों में इस बात का जरूर है कि वो जाते हैं ऐसे मोन्यूमेंट्स पर तो सेल्फी लेते हैं यादगार के तौर पर, बस वही खतरनाक हुआ उनके लिए, वो अपने जीवन की जो उन्होंने जो मूल्य चुकाया है इस सेल्फी के बदले में, उसका पीछे कारण था। और देखिए दुर्योग की स्थिति और लापरवाही की स्थिति, कि पुरातत्व विभाग नीचे बोर्ड तो लगाता है कि ये मॉन्यूमेंट जो है प्रोटेक्टेड है, लेकिन यहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बरसात में यहां क्या स्थिति है, यहां की सीढ़ियां छिछलेदार हैं, यहां की जो सीढ़ियां हैं वो एक दूसरे से 1.5 फीट ऊंची हैं, कि अगर बगल में गिरे तो खाई में क्या नुकसान हो सकता है, किसी तरह का कोई साइनेज नहीं है, किसी तरह का कोई गार्ड नहीं है, कोई आपदा प्रबंधन की यहां पर टीम मुकर्रर नहीं कर रखी है कि स्थायी तौर पर यहां बैठा हो, या मानसून में रोकने के लिए कि आप ऊपर मत जाइए, मानसून में ऐसी स्थिति हो सकती है। क्योंकि देखिए दीपा, चूंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं यहाँ जयपुर में लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ, जयपुर की एक एक चीज से वाकिफ हूँ, तो इसलिए मुझे पता है और मैं लगातार आमेर आता रहा हूँ। ये वो जगह है वॉच टावर, जो बरसात जब होती है तो ये सारा जो पानी का ओवरफ्लो भी है वो भी इस पहाड़ी से सीधा नीचे मावठे में जाता है, तो अगर यहाँ से कोई गिरेगा, यहाँ कोई हादसा होगा, तो निश्चित तौर पर मौत को गले ही लगाएगा, बहुत कम चांस है कि वो बच जाए। और कल भी यही हुआ, 30-35 लोग यहाँ पर चढ़ जाते हैं, किसी को पता नहीं है कि पर्यटक यहाँ चढ़ गए, इतना बड़ा हादसा हो गया, बिजली गिर जाती है, दामिनी उनके ऊपर टूट पड़ती है, मौत के आगोश में सो जाते हैं। कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं निर्मल, कई सवाल हैं, ये लापरवाही तो साफ तौर से हुई है, फेल्योर है साफ तौर से। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर पहले से इंतजाम कर लिए गए होते, जानकारियां होती कि यहाँ पर जाना ठीक नहीं है, बरसात में और भी जोखिम भरा हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, जानकारी अगर होती तो फिर इतने बड़े रूप से जो हादसा हुआ उसको रोका जा सकता था। काशीराम लगातार बने हुए, काशी वहां से कोई अपडेट है क्या, किसी और के पहुंचने की भी सूचना मिल रही है क्या, घायलों से मिलने के लिए कोई पहुंच सकता है वहां पर?
जी दीपा, देखिए इस वक्त हम मोर्चरी पर हैं और यहाँ पर जो डेड बॉडी हैं उनको अब परिजनों को सौंपना शुरू हो चुका है। एक जो शव था उसको उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया है और अब एक एक कर जो डेड बॉडी है उनको बाहर लाया जा रहा है। 11 लोगों का निधन हुआ इस दुखद हादसे में और उन सभी के परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के बाद सभी के परिजनों को उनके सब सौंपे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो परिवारजन हैं बहुत ही दुखद हैं, स्थिति में हैं, सदमे में हैं, गमगीन माहौल में हैं। सर, आपके भी परिवार के सदस्य की मौत हुई है, बहुत ही दुखद है आपसे सवाल पूछना, लेकिन फिर भी एक बताएंगे क्या कैसे सूचना मिली आपको? हमको वो जो लड़का विभव था उसी के मोबाइल से वहाँ के लोकल ने फ़ोन किया हमको, तो फिर उससे हम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। जब तक हम वहाँ पहुँचे तब ये डेड बॉडी को यहाँ पहुँचा दिया था इन्होंने। उस लड़के को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। जो बच्चा था वो आपका यहाँ पढ़ता था, क्या करता था? LLB कर रहा था, ये फर्स्ट ईयर था उसका। तो कल संडे था तो वो घूमने के लिए चला गया था। आप सीकर के रहने वाले? जी, हम सीकर के रहने वाले हैं, उनके रिलेटिव हैं। काशी, जल्दी से एक सवाल और, जो घायल हैं वो उनकी स्थिति को लेकर डॉक्टर्स ने कुछ बताया, गंभीर स्थिति है उनकी या फिर हालत में कुछ सुधार है, कुछ कहा जा रहा है अभी उनकी स्थिति को लेकर? देखिए, चिकित्सा विभाग की ओर से इस बारे में अभी जानकारी दी जाएगी, लेकिन दीपा अभी तक कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल सकी है कि जो घायल हैं उनका उपचार की मौजूदा स्थिति क्या है, कितने उनमें से तेजी से रिकवर हो रहे हैं और कितने की स्थिति गंभीर है, इस बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। बहुत शुक्रिया निर्मल आपका भी और काशी आपका भी पूरी जानकारी के लिए, ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने के लिए भी। कल जो हुआ उसके बाद से हर कोई परेशान है, सन है।